गुड्डू बेटा, हम सोचत रहे कि दुकान में जाए का पहला बजरंग बली का आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारा दुकान काम बहुत अच्छे से चलिए। तुमने बात ठीक है अम्मा, लेकिन क्या ना हमारी बात का बुरा ना मानना तुम। हमको पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, हम इन सब चीजों में यकीन नहीं करते। तुमको जाना तुम जाओ, हम नहीं रोकेंगे तुमको, लेकिन हमको नहीं जाना। इतनी हुज्जत काहे करते? अरे अम्मा की श्रद्धा है, उनकी आस्था है, विश्वास है उनका। वो चाहती हैं आप साथ में चले, तो चलिए ना, कुछ बिगड़ जाएगा आपका। वे क्या परेशान है तुमको, हम क्या चाहती हो हमसे? चलो तुम रात की कठपुतली है, जैसे घुमाना चाहोगी वैसे घूमेंगे हम। अरे हमको नहीं जाना, कहाँ जबरदस्ती कर रही है? तुमको जाना तुम जाओ, हमको कोई परेशानी नहीं। छोड़ो ना अम्मा, हम हैं तुम्हारे साथ, चलो हम चलते हैं। तुम तो जानती हो अम्मा ये ऐसे ही है, चलो। अरे और समोसे लाओ भाई। आपने आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात है क्या? हमारे लिए तो इस दुनिया में सबसे खास आप ही है ना। नहीं, वो हमारा कहने का मतलब है कि आपने हमें क्यों बुलाया? वो दुकान खुल गई है ना। दुकान खुल गई है तो क्या? अब दुकान के साथ साथ हमारे दिल का दरवाजा भी आपके लिए खुल गया है। और पता है, हमारा दिल धड़ाक धड़ाक करके सिर्फ आपके ही पास भागा जाता है। अच्छा, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको एक उपहार देते हैं। उपहार? वो क्या? ये लीजिए, सिम कार्ड। सिम कार्ड? वो क्या है ना कि इसे आप अपने फोन में डाल लीजिएगा, फिर हम रोज रात को आपको इसी नंबर पे फोन करेंगे और फिर हमारे दिल का हाल भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू जी। गुड्डू शुक्ला की गैलरी का उद्घाटन लग रहा है भैया। ये जो आप भाभी को गिफ्ट करने वाले हैं ना, वही मोबाइल एकदम पैक सैक करके लेके आए हैं। साथ बेटा बहुत अच्छा काम किया। काम करो, इसको ना सुरक्षित जगह में रख दो, अभी बाद में भाभी को दे देंगे। चल रख दो, रख दो। ये का है गुड्डन शुक्ला, हम का देख रहे हैं? आजकल गुड्डू शुक्ला लड़कियों को गिफ्ट शिफ्ट दे रहे हैं, हृदय परिवर्तन हो गया का? दो भैया गिफ्ट दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मान गए भैया, एक बहुत बड़े महात्मा मिले थे हमको, वो कह रहे थे कि ये लौंडियाँ जो होती हैं ना, वो बाली की तरह होती हैं। भैया बाली जानते हो ना आप लोग? महाभारत, वही सुग्रीवा को भैया। अच्छा, लेकिन गड़बड़ी केवल इतनी होती है कि वो ससुरा आधी ताकत खींचता था और ये पूरी ताकत खींच लेती है। अरे ये बदमाशों का काम नहीं है, ये मोबाइल वोबाइल का काम करना।
आप तो चोरी डकैती लूट पाट इन्हीं गांवों में अच्छे लगते हो। सही बोले ना, बिल्कुल गलत बोले तो थप्पड़ मार ना मुंह पे। और वैसे भी ना ये सराफत का चोला ओढ़ के काहे कन्नौज में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाने। अरे छोड़ो बिड़िया छोड़ो, सब दो दिन की नौटंकी है बस। लूट पाट का धंधा करने वाले, उससे जिंदगी जीने वाले अपनी आदत खाक बदलेंगे। हराम की कमाई का दूसरा नाम है गुड्डू शुक्ला। जाओ जाके कहीं यार घर घुर लूटो, कब्जा करो किसी घर पे, बैंक तैंक लूट लो भाई, वसूली करो, और ये काम है तुम्हारा है। गुंडा बदमाश को यह सब शोभा देता है गुड्डू शुक्ला। एक पैसा पर सेकंड कमा के तुम्हारा भैया पेट नहीं भरेगा। कहीं जाओ आराम से, इज्जत से इज्जत लूटो जाओ। कुछ और बोलना है? बोलना तो बोल लो बेटा, क्या ना अब हम बोले ना छोड़ेंगे नहीं तुमको। सर मारेंगे भी पकड़ के तुमको। सन की गुंडे की दुकान पे कौन खरीदारी करने आएगा? चलो आए हाय। अरे भगवान बचाए ऐसा लोगन से। अरे ई का दुकान पर ना कोनो ग्राहक बेचारा मोबाइल के कंप्लेंट लेके आई है ना, तू को सुलझाए के बजाय ना ये लोग तो पीट के नक्शा बिगाड़ दी। अरे एका दुकान से ना दूर रहना चाहिए। अबे हमका तो लागत है ना कि दुकान पे कहीं तरह के लोग आ सकत हैं। सब कौन तरह के कलसन वाली? अबे बिल्ला दीदी, अबे हमरे बाप कलसन के ग्राम प्रधान के तरह के। बाकी अफसोस है मिठू जीजी कि पूरे कन्नौज में ना हमरे बाप के जैसा कोनो हाय नहीं। चलो ये सब का देखना है, चलो अपना अपना काम। चलो चलो अम्मा तुम अंदर जाओ।
हम सोचे थे कि ये सुधर गए, लेकिन इन्होंने तो फिर से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। हे भगवान, अब आप ही ने कुछ रास्ता दिखाइए। साला जिसको हम अदालत में टंगवाने के चक्कर में जुटे थे, एड़ी चोटी का जोर लगाए पड़े थे, ससुरा खुद ही अदालत में टंग गया ये तो। मतलब? अरे मतलब ये रज्जू भैया, हम समझते थे कि हम लोग ही इस ससुरे गुडवा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम ही लोग उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, पर अब, अरे अब हमें पता चल गया हमसे बड़ा भी कोई उसका दुश्मन है, हाँ, जो उसको हमसे भी पहले बर्बाद कर देगा। उसका गुस्सा आया ना आज, उसे गुस्सा और उसकी दुकान टंग गई सीधी अदालत में। पाड़े, अबे वो गुडवा को कौनो पहली बार गुस्सा तो आया है नहीं, अबे का पहले बिना कई बार कईयों को ना उलटिया चुका है गुड्डू शुक्ला, तभी ना उका पर कोनो फर्क ही नहीं पड़ा, अबे सब ना सब तो अपने फायदे में चला जाते हैं। तो अरे पल पल रंग बदलता है गुड्डू शुक्ला, कभी चित कभी पट। अरे हम तो कहते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू ना गुड्डू शुक्ला खुद अकेला है, चाहे जो भी हो जाए गुड्डू शुक्ला अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगा। तो अरे बिल्लो भाभी, अरे मारेगा क्या, उसने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हा? अरे हाँ, अपना सर भी फुड़वा लिया। हाँ, ससुर के ऊपर फौजदारी की धारा लगेगी और टंगेगा ससुरा अदालत में। लेकिन मैं कहता हूँ विष्णु, ये मत भूलो कि रुंझुन का भाग गुड्डू के साथ जुड़ा है। आय हाय पांडे जी, अरे ये कौन सी नई बात है जो उनको जाने से सब लोग बेहोश हो जाइए। अरे चिंता की बात तो है वो बोझा रानी के भाग जो हाथ से निकल ना जाए, ये बात ना भुलाई से तुम लोग ना ही भूलियो। अरे मिठो भाभी ठीक है ना, अगर ये बात है ये भी देख लेते हैं, शाम तक इस मुकदमे का फैसला भी आ जाएगा कि गुड्डू को भागों वाली का भाग साथ देता है या उसका गुस्सा उसे बर्बाद करता है। शाम तक पता लग जाएगा कि उसकी दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं या नहीं आते हैं। देवी कहाँ बोराई रही थी, अब भाई तक कहाँ थी तुम? अब हम यहीं तो थे हम। हाँ हम यहीं तो थे। हाय हाय, अरे ये तो निकल भी गई, यहीं तो थे। चलो वही कर उठो। अरे बेंच खड़ी करो यार, इसको जल्दी खड़ी करो। चलो ले जाओ, सब एक जगह इसे रखो। उकन, सब समेटने का है लगे, कार्यक्रम खत्म का? अरे तुम कहाँ थे अब तक? हाँ तुमको पता है यहाँ बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, साले लुच्चे लोग आए थे यहाँ, सब तोड़ फोड़ करके चले गए। कौन थे बे? कहाँ से आए थे साले? चलो अभी मार के आते हैं सालों को। बस करो। चलो ना, क्या छोड़ देंगे उन लोगों का इसे? साला पूरा सामान तोड़ के चले गए, पूरी दुकान खराब कर दी, साले कुत्ते की दुमों को तो मारना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ होते ना, एक एक की टांग काट के उसके हाथ पे पकड़ा देते। अबे बस करो यार, जो होना था वो हो गया है, समझे? लेकिन तुम ये बताओ, तुम साले इतनी देर से थे कहाँ पे? आजकल तुम्हारे चाल चलन का कुछ पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। अबे ज्यादा नजर ना रखो हम पे। अरे भैया थोड़ा मूड फ्रेश करने चले गए थे। मने मन मुनक्का और मने मन छुहारा। देखो शर्मा तो ऐसे रहे जैसे नई नवेली दुल्हन। कहाँ लंपटबाजी कर रहे हो बताओ, लौंडियों के चक्कर है ना? अब किसके घर में तुमने अपनी बगुला नजर गाड़ी है? सबर रखो बगुल मित्र, बगुल ध्यानम की नीति ये कहती है कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए सबर रखो और चलो काम शुरू करो।
हमरे कोई गलती नहीं थी, हमरा कोई इरादा नहीं था झगड़ा करने का। हम तुमसे कह रहे हैं, इधर उधर क्या देख रही हो, जबान कहाँ बंद है तुम्हारी अभी? चलो बोलो कुछ। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलना तुम जा रहे हैं अभी क्या जा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। आपकी वजह से सिर्फ हमारी कोशिश ही नहीं, भविष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तो क्या करते हैं? साला क्या करते? खड़े खड़े तमाशा देखते, साला चूड़ी हाथ में डाल के बैठ जाते हैं कि गुड्डू शुक्ला के इलाके में आएगा, हमको धौंस देके चला जाएगा, साला हम कुछ नहीं करेंगे, साला आरती उतारते हैं उसकी, पूजा करेंगे कि भैया आओ हमारे अड्डे पर, आओ साला हमारी बुराई करो, हमारे बारे में अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो। अम्मा कितनी खुश थी ये मोबाइल सेंटर खुलने की वजह से। साला अम्मा कितनी खुश थी, तो सारी नाटक नौटंकी जो हो रही है अम्मा के लिए हो रही है कि अम्मा खुश रहे, साला अम्मा को दुख ना हो, अम्मा निराश ना हो, साला हमरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखना ना। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, साला हम कोई मशीन या तुम्हारी अम्मा को खुश करने के लिए, समझे? हम इंसान है और हम गुड्डू शुक्ला अपनी मनमर्जी के मालिक है, जो मन करेगा वो करेंगे। साले अपने बाप दीनार शुक्ला के लिए हम बदले नहीं, तुम्हारी अम्मा के लिए बदलेंगे हम। पगला गई हो क्या? हम आपको अपनी अम्मा के लिए बदलने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने गुस्से पे काबू रखिए। अपने जिन लोगों को मारा पीटा उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान सिर्फ आपका होगा। और आज हुआ, आपको क्या लगता है आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ पर कोई आएगा? साला कोई नहीं आता तो ना आए, हमको कोई लेना देना नहीं, साले भाड़ में जाए। साले कोई कार दुकानदार है जो ग्राहक कोई हाथ पैर जोड़ेंगे, आइए भैया हमारी दुकान पर आइए, हम नहीं करेंगे साले ये सब। साले हम गुड्डू शुक्ला, हम जो कह देते हैं बस वही करते हैं। और साले तुमने हमको सजा दी थी, हमने दुकान खोल दी, सजा पूरी हुई, बात खत्म। और साले एक बात गांठ बांध, साले दुकान चले ना चले हमको कोई लेना देना, हम जा रहे साले यहां से अभी के अभी। पता नहीं क्यों कि हमेशा सही रास्ते पे जाते जाते गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक होते होते रह जाता है।